हेलो, वेलकम टू beingguru.com। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MGF ऑफ पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम रिकॉल करते हैं पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, e^(-n)(m^x)^(x^2) और x की वैल्यू होती है 0, 1, 2 up to infinity। तो जो पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो एक डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम MGF निकालें अबाउट ओरिजिन, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mxt, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x अबाउट ओरिजिन, ये होता है सबमिशन ऑफ x असाइन 0 टू इंफिनिटी e^(tx) मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्रीट टाइप के रैंडम वेरिएबल के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पे हम MGF निकाल रहे हैं पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है मैं यहाँ लिख दूंगा पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, mxt equals to summation of x assign 0 to infinity, ये हो जाएगा e^(tx) और यहाँ पे आ जाएगा e^(-m)(m^x) अपॉन में x फैक्टोरियल। अब यहाँ पे e^(-m) कांस्टेंट है तो इसको मैं सबमिशन के बाहर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा e^(-m) सबमिशन ऑफ x असाइन 0 टू इनफिनिटी। और यहाँ पे देखिए, हम ध्यान से देखें e^(tx) है और m^x है, दोनों की पावर x आ रही है तो मैं इसको मर्ज करके लिख सकता हूँ m e^(t) और होल टू द पावर x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे x फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम x के अलग अलग वैल्यू रखेंगे 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो क्या बचेगा हम देखते हैं e^(-m) और ब्रैकेट के अंदर पहली बार मैं x की जगह 0 रख रहा हूं, तो यहां बचेगा m e^(t)^0 अपॉन में क्या रहेगा यहां पे 0 फैक्टोरियल प्लस फिर आ जाएगा यहां पे m e^(t), अगली वैल्यू x की 0 के बाद 1 जाएगी, तो m e^(t)^1 और डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। ऐसी x की अगली वैल्यू 1 के बाद 2 जाएगी, तो यहां हो जाएगा m e^(t)^2 अपॉन में क्या रहेगा यहां पे 2 फैक्टोरियल। और ऐसे अगर मैं कंटिन्यू करूंगा अप टू इनफाइनाइट तक ये वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है। अब 0 फैक्टोरियल होता है 1 और m e^(t)^0, तो किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो भी कितना होता है 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 और ये वैल्यू भी 1, तो 1/1 दैट इज 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहां क्या बचेगा e^(-m) और यहां बचेगा 1 प्लस m e^(t)^1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस m e^(t)^2 अपॉन में क्या रहेगा यहां पे 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू इंफिनिटी, क्लियर। अब ये सीरीज हम देखें ध्यान से, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल सीरीज का फॉर्मूला होता है e^(x) का, वो क्या होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही कंटिन्यू रहता है अप टू इनफिनिटी तक। तो इस सीरीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का फॉर्मूला है, ये e^(x) का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा e^(x) की जगह यहां पे क्या आ रहा है m e^(t) आ रहा है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें तो ये क्या बन जाएगा e^(-m) और ये हो जाएगा e^ ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला है e^(x) की जगह m e^t आ रहा है, तो e^(m e^t) का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा mx और t, है ना। अब इसको हम देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है इसको आगे, और दोनों की बेस सेम है, पावर हम ऐड कर देंगे। तो हमने अगर पावर ऐड करी तो यहां पे क्या जाएगा, ये mxt equals to, ये हो जाएगा e^(-m)+m e^t। तो मैं अगर प्लस m को कॉमन निकाल लूं, है ना, पावर में, तो प्लस m कॉमन निकला तो ब्रैकेट में बचेगा e^(-1) और ये हमारा आ जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया MGF अबाउट ओरिजिन। अब अगर हमें इसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन का अबाउट मीन, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है यहां पे, अगर MGF अबाउट मीन निकालना है पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
एम एक्स इक्वल्स टू एम। तो देखिए पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो एम होगा, तो एम एक्स इक्वल्स टू एम ऑफ टी इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी एम और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, e टू दी पावर माइनस टी एम ऐसा कैसा और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला आया था e टू दी पावर m और ब्रैकेट में क्या था e टू दी पावर t माइनस 1 था। तो हम ये क्या लिख देंगे, ये फॉर्मूला उठा के लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर m मल्टीप्लाई में e टू दी पावर सॉरी मल्टीप्लाई में e टू दी पावर t माइनस 1। अब दोनों की बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर माइनस टी एम प्लस m और e टू दी पावर t माइनस 1, दोनों में m कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा e टू दी पावर m को मैं बाहर लिख रहा हूँ प्लस m को, तो ब्रैकेट में बचेगा e टू दी पावर t माइनस 1 और ये माइनस t बाद में आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया ये होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया ये हो जाएगा MGF of Poisson distribution about its mean। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।